या ये डोसा बैटर, तो हमें उसके लिए चाहिए 1 कप चावल, नॉर्मल चावल है, तो हमें 1/2 कप उड़द की दाल चाहिए। फिर हम डालेंगे 1/2 कप पोहा, तो फिर उसमें जाएगा 25 ग्राम चना दाल। फिर हम डालेंगे 2 स्पून मेथी दाना, या 1 स्पून भी आप डाल सकते हैं अगर आपको कम चाहिए तो। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम अभी इसको वॉश कर लेंगे अच्छे से, 2 से 3 बार वॉश कर लेना। जब जैसे इसका सफ़ेद पानी दिखेगा तब तक 2-3 बार काफ़ी है, 2 से 3 बार। तो अभी मैं इसको वॉश कर रही हूँ। बहुत इजी है, आप इसको 2-3 दिन रख के 1 वीक तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख के। इसमें बॉक्स बना के रख दो, अलग अलग बॉक्स करके, जब इसका बैटर बनेगा मैं आपको आगे बताते जाऊंगी। तो अभी मैं वॉश कर रही हूँ, प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरा नया चैनल है, आप सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मैं और भी आपको मतलब इजी रेसिपीज़ बताते जाऊँगी। ठीक है, अब वॉश हो गया है तो अब हम इसको 4 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। 4 hours later फिर 4 घंटे बाद मैंने इसको पानी से निकाल दिया, तो अब हम इसको पीस लेंगे, इसका बैटर बनाएंगे। तो अभी ये जा रहा है पीसने के लिए जार में। मैंने 1 कप डाला तो अभी मैंने 1 बार बना लिया, तो और मैं 2 बार बना सकती हूँ, तो 3 बार हो जाएगा। तो अभी इसका बैटर बन गया है। पानी ज़्यादा मत इस्तेमाल करना, 1/2 ग्लास डाल के पीस लो पानी अगर आपको लगा तो। तो उसके बाद फिर हमें इसमें अभी ये मेन, ये आपको भूलना नहीं है, यही मेन पॉइंट है इसमें। तो आपको जितना आपने डाला था ना पहले 1 ग्लास चावल, तो आपको 1 ग्लास चावल का ये पाउडर डालना है, राइस पाउडर, राइस पाउडर। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम इसमें पानी भी मिक्स कर लेंगे। मैंने डाला था 1 कप पूरा पानी डाला है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप डालो, एक ही दफ़ा डालोगे ना तो पानी भी हो सकता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला। तो मेरा लगभग 1 ग्लास पानी मैंने इसमें मिक्स कर लिया था। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, जैसे वो थिकनेस आएगा अभी मैं आपको दिखा दूँगी, कैसे आपको पता चलेगा। जैसे जैसे आप करते जाओगे इसमें कुछ भी लम्स नहीं रहना है, एक ही दफ़ा में मत डालना पानी, थोड़ा थोड़ा करके आप डालते जाओ तो आपको भी पता चलेगा कि कितना और चाहिए। 1 ग्लास तो लगभग लगेगा ही लगेगा पानी का। तो अभी मिक्स किया अच्छे से, हो गया है, मस्त हो गया। इसको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस से आपको ना मिक्स करना पड़ता है, तो आप इसमें इडली, डोसा, पड्डू ऐसे बना सकते हो। अभी हो गया ख़त्म जी। हाँ देखा, अभी जैसे आप ऊपर किए तो ऐसे आना चाहिए, या एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए। अभी मेरा परफेक्ट बैटर बन चुका है। तो ये मैंने रात भर भिगोने के लिए रखा था, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने सीधे प्लेट आपको निकाल के दिखा दी, तो इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने कुछ भी नहीं डाला है इसमें, नमक भी नहीं डाला था, तो देखो ये कैसे हो गया है, फूल गया है सारा। तो अभी हम इसको मिक्स करना है, तो देखो एकदम परफेक्ट।
तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और मैंने ना नमक मिक्स कर लिया था, तो इसमें मैंने डाला नहीं, तो आप इसको फिर आप उसको ना हाफ पोर्शन में निकाल दो एक बॉक्स में, जैसे मैंने कहा आप 2-3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने 3 उसके वो सेपरेट मैंने पार्ट बना दिए थे, तो एक पार्ट में मतलब 2 लोग खा सकते हैं आराम से, 10 तो बन ही जाएंगे, 10 दोस्त आपके बन जाएंगे। एक कप में लगभग कुछ 30 डोसा इजीली बन जाएंगे, 30-35 एक कप राइस में। ये देखो अभी मैंने ऑयल डाल दिया इसमें, तो आपको नॉन स्टिक तवे पे ही बनाना है, इसका ध्यान रखें। मैंने चटनी बना ली थी जो मसाला डोसा के लिए चाहिए, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं वो भी कभी नेक्स्ट टाइम बना के डाल दूँगी, क्योंकि टेस्टी बनता है जैसे रेस्टोरेंट में बनता है ना, एकदम परफेक्ट वैसे ही बना था। आप इसमें चाहिए तो बटर भी डाल सकते हो, अमूल बटर या फिर फ्रेश बटर जो भी आपके पास हो, घी, मैंने तो तेल ही इस्तेमाल किया है। फिर ये आप लगाने के बाद चटनी तो ऊपर से और तेल या बटर ऊपर से फिर डाल देना, क्योंकि उसका जो चटनी है डोसे को सही से लगे, फिर वो पकेगा। अभी आप देखते जा रहे हो इधर रोस्ट होता जा रहा है डोसा, बहुत ही एमी, बहुत ही टेस्टी बना था, ट्राई ज़रूर करना, बहुत इजी रेसिपी है, आराम से हफ्ता भर इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि एक हफ्ता रख सकते हो, तो आप बीच में 2 दिन के बाद फिर बना के खा सकते हो इसका पड्डू या कुछ भी। पड्डू चाहे तो मैं पड्डू की रेसिपी भी आपको दे दूँगी इसी बैटर में, बस उसमें हमें ना वेजिटेबल्स ऐड करने हैं, वो भी मैं आपको बता दूँगी, उसका वीडियो बना के फिर मैं अपलोड करूँगी। ये देखें आप, फिर इसमें मैंने डाला आलू की सब्ज़ी, जिसको हम इधर कन्नड़ा में पल्या बोलते हैं। अभी देखो जब वो फोल्ड होगा तो आपको पता चलेगा कितना क्रिस्पी टेस्टी बना है। ये देखें, ये देखिए सही से बन गया है, एकदम परफेक्ट, आप ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए, और एक बात, गरम गरम ही सर्व करना पड़ता है इसको, गरम गरम ही खाना होता है, क्योंकि वो जो क्रिस्पी होता है ना डोसा, वरना वो सॉफ्ट हो जाएगा तो उसका मज़ा नहीं है। देखो ये देखो, मैंने फिर दूसरा डोसा डाल के आपको दिखाया, वेरी नाइस, परफेक्ट। तो आपको पसंद, अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, और इसको आपको अच्छा लगा तो शेयर कर देना, फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।